हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, अगर आपको भी है बर्गर, पिज्ज़ा या फास्ट फूड खाने की आदत, तो दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी ये आदत दे रही है हृदय रोग, डायबिटीज और अन्य कई रोगों को दावत। जानते हैं कैसे? दोस्तों, ये जो बर्गर, पिज्ज़ा या फास्ट फूड होता है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, भले ही आप इसे कभी कभी ही क्यों ना खाते हो। दरअसल जो फास्ट फूड होता है दोस्तों, इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता को कमजोर करते हैं। फास्ट फूड में आमतौर पर अत्यधिक सोडियम और ट्रांस फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को कम करता है। पिज्जा, बर्गर, ऐसे कई सारे फास्ट फूड हैं जिससे बच्चों में अस्थमा, एक्जिमा, खुजली और आंखों से पानी आना जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है, क्योंकि खाने में पोषक तत्वों की कमी एलर्जी संबंधी बीमारियों को पनपने का मौका देती है। दोस्तों, ऐसा भोजन जिसमें कि फैट यानी वसा से भरा हुआ होता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसमें ब्लड फ्लो में बाधा उत्पन्न होती है। ब्लड फ्लो यानी रक्त प्रवाह के इस प्रतिबंध से भविष्य में आपको हार्ट डिजीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, इन खानों में भरपूर मात्रा में होता है सोडियम और कैलोरी। फास्ट फूड में कैलोरी, फैट और अतिरिक्त सोडियम से भरे होते हैं। ये सभी आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर डालते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, आप एक बर्गर खाते हैं। एक बर्गर में दोस्तों 500 कैलोरी, 25 ग्राम फैट, 40 ग्राम कार्ब्स, 10 ग्राम चीनी और 1000 मिलीग्राम सोडियम होता है, जो आपको बीमार करने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, फास्ट फूड की पहली बाइट खाने के 15 मिनट बाद ही आपके शरीर में ग्लूकोज की भारी वृद्धि हो जाती है और ये इंसुलिन रिलीज करने को बढ़ावा देती है, जिससे आपको कुछ घंटों में फिर से भूख लगती है। इस पैटर्न को दोहराने से डायबिटीज यानी मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है। जब हमारे शरीर को एक बार में अत्यधिक कैलोरी लेनी पड़ती है, उससे शरीर की जो सेल्स होता है उस पर ऑक्सीडेटिव तनाव पड़ता है। दोस्तों, फास्ट फूड में मौजूद होता है सोडियम और सोडियम की अधिकता से ब्लड वेसल्स पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, बर्गर, पिज्ज़ा या कोई भी अन्य फास्ट फूड के चलते फैट की अधिकता और विटामिन डी व कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। इससे हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं। दोस्तों, फास्ट फूड में मौजूद फैट, नमक या शुगर के चलते पेट तो भर जाता है, लेकिन शरीर के लिए ज़रूरी प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम या मिनरल हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो के बाद आप फास्ट फूड से जितना हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड कीजिए, खाने से बचिए। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। Have a nice day and keep smiling.